हाय गाइस, क्या आपको पता है कि XUV 700 के कितने यूनिट अभी एवरी डे मैन्युफैक्चर हुए हैं? तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि एवरी डे का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी का, जो एक न्यूज़ में भी बोला गया था कि 50,000 का जब बुकिंग आया था तब कंपनी ने बोला था कि ये हमारे एक साल का कैपेसिटी है, और उस हिसाब से हम सब भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम जो अभी बुकिंग करेंगे, सपोज अभी 75,000 क्रॉस कर गया है तो हमारी बारी एक डेढ़ साल के बाद आएगी, तो उस हिसाब से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। बट मैं एक्चुअल जो अभी मैनुफैक्चरिंग कैपेसिटी है XUV 700 पे, जितने लोग डिप्लॉयड हैं, जिस रेट में टारगेट उनको दिया जा रहा है और वो अभी काम कर रहे हैं, वो ये है कि 220 यूनिट एवरी डे का मैनुफैक्चर अभी हो रहा है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग कितने दिन में आपकी बारी आएगी। ये तो हुआ मैनुफैक्चरिंग। दूसरी चीज़ है एलोकेशन सिस्टम। तो एलोकेशन सिस्टम आपने इस बार न्यूज़ में भी देखा होगा और सभी जगह भी, कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी को दिया गया है, थर्ड पार्टी को। वो इसलिए दिया गया है, शोरूम वाले के थ्रू जब होती थी तो वहाँ पे धांधली होता था, जैसे मान लिया कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया या किसी तरह का इन्फ्लुएंस हो जाने से, तो वहाँ पे धांधली का स्कोप हो जाता था। और उसको कम करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ये सब चीज़ें जो होती है वो शोरूम वाले फ़ायदा उठाते हैं, राइट, तो उस धांधली को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम किया गया है, ताकि उसमें यह है कि आपका ये नंबर है, इतने तारीख को आपका डिलीवरी है। और साथ साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आपकी डिलीवरी शेड्यूल नज़दीक आ जाती है, फाइनल पेमेंट की ओर जाते हैं, फाइनल पेमेंट देना है अभी, उस टाइम पे आपको अपना जो कॉस्ट शीट दिया गया है उसको एक बार स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें एक शोरूम को, तो ठीक है एक शोरूम है तो वो ऑल इंडिया में आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसके अलावा आप ऑन रोड भी मान के चल रहे हैं कि वो बेसलाइन है, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है, और कई सारे उसमें हैं ऑप्शन जहाँ पे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस का अगर एग्जांपल लें, तो एक इंश्योरेंस एक कंपनी अगर मान लिया 70,000 में दे रही है, दूसरी कंपनी सेम चीज़ें 50,000 में भी दे सकती है। इसके लिए आपको क्या मार्केट ब्राउज करना ज़रूरी है, और ये चीज़ आप कई सारे वेबसाइट भी हैं वहाँ जाकर के अभी आप चेक कर सकते हैं। कई बार आपको इंश्योरेंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो उसमें भी आप अपना ये स्कैन। एक चीज़ मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड बता देता हूँ कि जब आप कार का इंश्योरेंस लेते हैं उसमें जीरो डेप इंश्योरेंस रहता है, प्लस में एक साल का इंश्योरेंस फुल कवर रहता है 0% डिप्रिसिएशन पे। जीरो डेप इंश्योरेंस में क्या है कि आपका जो डिप्रिसिएशन है वो नहीं हो, मतलब जो आपका IDV वैल्यू मिलता है कार का फर्स्ट ईयर में जितना है उतना ही नेक्स्ट ईयर में भी रहेगा, एक साल के लिए जीरो डेप साथ में आता है। वो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग कॉस्ट होते हैं, तो एक आप वहाँ पे भी कंपैरिजन करके अपना जो बेस्ट है वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक TCS होता है, तो TCS के गवर्नमेंट चार्जेस भी आप बोल सकते हैं, तो उसमें चांसेस कम है बट आप ट्राई कर सकते हैं निगोशिएट करने का। इसके अलावा एक और चार्ज इसमें ऐड किया जाता है, वो है इंसिडेंटल चार्जेस। तो इंसिडेंटल चार्जेस क्या होता है? इंसिडेंटल चार्जेस में आपकी गाड़ी जब वो मैन्युफैक्चरिंग हब जहाँ पे वो बनी है वहाँ से लेके आपके शोरूम तक आई, तो उसके अंदर कुछ खर्चे लगे होंगे भाई, तो ये खर्चे प्लस वो वेयर हाउस में रखा जाएगा तो वेयर हाउस के खर्चे हो गए। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो आप जैसे RTO के लिए करते हैं, नंबर के लिए, रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इन सब में, तो उन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ब्राइबरी आप बोल सकते हैं, तो वो सभी पोर्शन को ऐड करके, लेकिन आप ये चीज़ निगोशिएट कर सकते हैं शोरूम को बोल करके, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू पे दैट। इसके अलावा एक ऑप्शनल एसेसरीज किट आती है, जब आप अपने XUV का प्राइस लिस्ट देखा होगा तो उसमें एक ऑप्शनल एसेसरीज किट ऐड किया गया है, ये जो 35,000 का है, बट उसका जो एक शोरूम प्राइस बन रहा है उसके अंदर ये 35,000 भी डाला हुआ है, ओके, तो आप चाहें तो इसको माइनस करवा सकते हैं, बट इसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि कई सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक चीज़ें हैं वो चाहिए, जैसे आपका कार का कवर हो गया या मड फ्लैप हो गया, जैसे स्क्रीन गार्ड हुआ, स्क्रीन अभी ये फुल टच स्क्रीन है या तो फिर फुल डिस्प्ले है तो उसमें स्क्रीन गार्ड लगाएंगे, ये आप ऑनलाइन अमेजोन से भी लगा सकते हैं, मैंने उसका भी
प्राइस देखा है तो ऑनलाइन में 700 रुपये का देता है और यहाँ पे आपको 1500 रुपये का देता है। या आपका मैट हो गया, या तो फिर आपको बम्पर हो गए, लाइट्स लगाने हैं, या फिर आपके फुटस्टेप लगाने हैं, तो इन सब को एक स्टैंडर्डाइज करके एक 35,000 का है। वहाँ पे भी आप अपने हिसाब से कौन सा उसमें बेस्ट है, क्या करवाना चाहिए, ये मैं अलग से मैं आपको बताऊँगा, उसकी कॉस्टिंग भी सेपरेटली। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपका टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो खर्चा होता है वो कम होता है, बट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। और जब आप कार के टैक्सेस पे करते हैं तो वो 10 साल या 15 साल के लिए एक एडवांस आपको पे करना पड़ता है। राइट, तो वहाँ पे भी एक नया सिस्टम अभी आया है। न्यू सिस्टम के हिसाब से जो अभी लास्ट मंथ गडकरी जी ने अनाउंस किया है, जो अप्लाई हुआ है ऑलमोस्ट 15 स्टेट में अभी चालू हो गया है, सो उसके थ्रू क्या है कि आपको एक स्पेशल कैटेगरी का नंबर लेना पड़ेगा। ओके, उसके क्या तरीके हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैं अलग से अब मैं आपको बताऊँगा। और अगर मान लीजिए सपोज आप वो बीएच सीरीज बोलते हैं उसको, तो भारत सीरीज का, ओके, तो भारत सीरीज का सपोज आपने नंबर ले लिया, ओके, तो उसमें फैसिलिटी क्या है कि अभी आप 15 साल का एक साथ टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स का अमाउंट जो आपको जाता है पे करना पड़ता है वो एक लमसम एक ही बार में, वो सपोज 4.25 लाख का हुआ, 3,75,000 का, या तो फिर 4.25 लाख का हो गया, ऐसे करके जो एक्सयूवी का ऑलमोस्ट टॉप एंड मॉडल के आसपास का मैं बता रहा हूँ कॉस्टिंग, सो उसके अंदर इतना परसेंट जाता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो 4 लाख प्लस में उसके इंटरेस्ट भी आएंगे, तो उससे बचत के लिए अगर आपको गवर्नमेंट से ये स्कीम मिल जाता है कि दो साल का ही अगर आप टैक्स एक बार पे करें, फिर 2 साल हो जाएगा फिर से पे करेंगे, तो उसका एटलीस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट तो आपका बच जाएगा। राइट, तो यहाँ पे भी आप पैसे उससे उसमें सेव कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आपका 3,75,000 का अगर जो टैक्स लग रहा है उसमें से सिर्फ 2 साल का, तो उसको डिवाइड बाई 7 सपोज आपका तो आपको 70-80 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट 3.25-4 लाख लग रहा था। तो ये एक यहाँ पे भी आप कॉस्ट सेविंग कर सकते। तो गाइज ये था एक छोटा सा अपडेट जिसमें कि आपको एक एस्टिमेशन आइडिया मिल जाएगा कि लगभग कितने दिन बाद आपकी कार की डिलीवरी होने वाली हो सकती है, और एक मोटा मोटी आइडिया कि आपको कहाँ पे आप पैसे बचा सकते हैं। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।